बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैग टोकन की स्वैपिंग के बारे में। पहले आपको ये बात कंफर्म बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं कि मैं आपको यहाँ पे अपने डॉलर के साथ यहाँ पे स्वैप करके दिखाऊंगा, तो आप अभी से भी जा सकते हैं वीडियो छोड़ के। जस्ट मैं आपको बताऊंगा इनके थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कैम की शिकायत आई हैं। बहुत सारे बंदों से मैंने कांटेक्ट भी किया है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है कि किसी के डॉलर वहाँ पे कट हुए हैं, तो किसी की स्वैपिंग नहीं हो पाई, तो किसी कोई कह रहे थे कि हमारी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड वहाँ पर एक यहाँ पर जो शक वाली बात है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जिस बंदे को ये वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि आप पहले हमें यहाँ इधर उधर घुमाते हो, फिर वहाँ जाके हमें जो है बात करते हो, तो फिर आप पहले बता दिया, अभी इसीलिए पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं पहले सबसे पहले इनका एक ग्रुप ढूंढता हूँ यहाँ पे, टैग की न्यूज़ वाला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी शेयर किया है कि यहाँ पे कैसे आप स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एयरड्रॉप में भी भेजी थी इन्होंने, इधर उधर भी भेजी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं हम ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं क्योंकि कल मैंने जब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था कि ग्रेट न्यूज़ है, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रेट न्यूज़ ही थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही मैसेज किया है कि आप बाय एंड सेल और स्वैपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो मेरे पास तकरीबन 6,050 टोकन फ़िलहाल पड़े हैं यहाँ पे। तो हम इनको कैसे स्वैप करेंगे, तो सबसे पहले याद रहे कि स्वैपिंग के लिए आपके पास BNB B20 का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास BNB का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये टोकन नहीं है तो सबसे पहले आपको ये चाहिए। कितना चाहिए, 0.05, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 12.5 से 13 डॉलर के करीब। मतलब कि आपके पास 13 डॉलर होने चाहिए तभी जाके आप जो है स्वैप कर पाएंगे। लेकिन किसी भी दुनिया के किसी की भी एक्सचेंज में ऐसे नहीं है कि आपको 13 डॉलर पे करने पड़े ये वॉलेट डी एप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउज़र में जाएंगे। एंड ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे देखें तो टाइची स्वैप डॉट विकी आपको सर्च करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं टाइची स्वैप डॉट विकी। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सर्च पे क्लिक। एंड जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी शो करवा रहा है, यहाँ पे ये शो करवा रहा है 0.27 इसकी प्राइस शो करवा रहा है। और यहाँ पे देखिए तो हमारा बैलेंस कितना शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा बैलेंस भी 0 शो हो रहा है, और यहाँ पे USDT भी हमारे 0.0 शो हो रहा है। यहाँ पे 1 है तो इसकी प्राइस भी 0.27 के करीब है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा फीस ये किस चीज़ की चार्ज कर रहे हैं। यहाँ के DApps में इतनी ज़्यादा फीस वगैरह नहीं रहती। ठीक है, 0.05 ये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम इसको एक्सपोज करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर आपको एक दफ़ा क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो इथेरियम लिखा हुआ है, EVM चैन इथेरियम, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड उसको हटा के आपको ये वाला जो BNB स्मार्ट चैन है इसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे एंड दोबारा कनेक्ट वॉलेट पे आपको अगर क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए तो हमारा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कितने पड़े हैं, 6,050 पड़े हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6,050 टोकन। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 5,000 टैची पर डे जो है यहाँ पे आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 5,000 पे क्लिक। जैसे 5,000 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं 1,350 डॉलर। ठीक है, हमारे पास 1,350 डॉलर बनते हैं। और यहाँ पे हम स्वैप पे क्लिक करते हैं, होल्डिंग स्वैप टू ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास, यहाँ पे मैं एक दफ़ा एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए DApps में क्या कर रहे हैं, नेटवर्क फीस हमारे पास कितनी कट रही है, 0.4×0.63, और मैक्स यहाँ पे टोटल कितनी है, 12.56। कितना हो रहा है, 12.56, ये नेटवर्क फीस है। और हम उनको भेज रहे हैं 12.56 डॉलर, उनको हम भेज रहे हैं। क्या है, हम यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर रहे, हम उनको भेज रहे हैं। ये एक जो यहाँ पे दिया गया है DApps में, इन्होंने एक ब्राउज़र यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके ज़रिए जो है यहाँ पे कुछ हो सकता है कि इनका कोई एरर हो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई भी बंदा स्वैप नहीं करे, ये
आपके साथ स्कैम हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि आपके पास किसी के पास भी स्कैम हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी फीस कम होती तो मैं लाजमी यहाँ पे एक ट्राई करता। अगर जिस बंदों को यहाँ पे $13 का जो भी बंदा रिस्क ले सकता है, तो ये तरीका कार है, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और अपनी स्वैपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि हमने कहा था ये प्रोजेक्ट स्कैम है, ये स्कैम है। भाई प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं इनका कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अभी ये स्वैपिंग क्यों करवा रहे हैं इसका भी किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही 1 माह या फिर आधा महीना या फिर 2 मंथ बाद आपको क्लियरली पता चल जाता है। जैसे आपके स्वैप हो जाएगा तो आपके यहाँ पे USDT शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपके साथ स्कैम नहीं होते हैं तो आपके पास यहाँ पे USDT आपके शो ना हो जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास 0.05 यहाँ पे पड़े होते तो मैं करता, लेकिन फिलहाल नहीं करता क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के स्कैम के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा स्वैप, लेकिन ज़रूर करूँगा, लेकिन थोड़ा वेट करके। खैर अगर 1 महीना 2 महीना वेट भी करना पड़े तो मैं यहाँ पे करूँगा। अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। एंड उसके बाद अगर आपने एक दफ़ा वॉलेट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको ज़रूर चेक करना है, आप अपना यहाँ से वॉलेट भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना वॉलेट यहाँ से डिस्कनेक्ट लाजमी करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे आना है, ऊपर वाली सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे कोने पे सेटिंग पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसको हटा के यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे करता हूँ वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक। यहाँ पे देखें ऐड न्यू कनेक्शन, व्हाट इज़ कनेक्शन, यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे अगर करता हूँ यहाँ पे QR आ रहा है, ठीक है। अगर आपका वॉलेट कनेक्ट होगा तो यहाँ आपके सामने शो करवा देगा कि आपका वॉलेट जो है फलां DApp से कनेक्ट है, तो फिर आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट अभी ऑप्शन मिलेगा, तो आपने वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे जो है एक प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस में जाके आपको DApp ब्राउज़र है, और यहाँ पे देखें तो ये आपका जो क्लियर है जो कैशेज है आपने ये वाला कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्वैपिंग वगैरह और इधर उधर के चक्कर हैं। तो इंशाल्लाह जैसे इसकी स्वैपिंग जो है ऑफिशियली यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज पे भी लॉन्च हो जाएगा या फिर इसकी प्राइस सही से निकल के आएगी, तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आप भाई लोगों को बताऊँगा। तो ये थी आज की अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जजाकल्ला।